हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की हमारी रेसिपी है आलू वड़ा यानी कि बटाटा वड़ा की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और ऐसी नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू को इस तरह से बॉईल करके ले लिया है। इस तरह से मैंने थोड़ा सा मैश कर दिया है। अब उसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 बड़ी चम्मच भर के अदरक और लहसुन को क्रश करके ले लिया है। आपको जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर मैं धनिया पत्ती ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है इसमें। अब उसके बाद हम स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हम 1 नींबू का जूस ऐड कर देंगे और बाकी बचा हम बेसन के बैटर में ऐड करेंगे। उसके बाद हम 2 चम्मच शक्कर ऐड करेंगे। यहाँ पर आपको जितना खट्टा मीठा पसंद हो उस हिसाब से आप शक्कर और नींबू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ी सी 1 चुटकी भर हल्दी ऐड करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। आपको जितना पसंद हो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब सभी मसाले ऐड करने के बाद इसे हम मैशर से अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि हमारा एकदम स्मूथ मावा बनकर तैयार हो जाए, इसकी हम इस तरह से गोलियां बना सके। तो इसलिए हमें अच्छे से इसे मैश कर लेना है। तो इसके मसाले से अच्छे से हम मैश कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने आलू का मावा बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा आलू का मसाला बिल्कुल तैयार है। तो इस तरह से हम हाथों के मदद से हाथों में तेल लगा के इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना लेंगे। यहाँ पर आपको जितने बड़े आलू बड़े चाहिए उस हिसाब से आप गोलियाँ बना सकते हैं। यहाँ पर मैं इस तरह से मीडियम साइज के गोले बना रही हूँ। अब इसी तरह से हाथों में तेल लगा कर सारे हम बॉल बना लेंगे। अब यहाँ पर मैंने इसी तरह से सारे बॉल बनाकर तैयार कर लिए हैं। इस तरह से मीडियम साइज के रखे हैं मैंने। आपको जो साइज पसंद हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब हम हमारा बेसन का बैटर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम 1 बाउल ले लेंगे और उसमें हम 1 बाउल भर के बेसन ऐड करेंगे। ये करीबन 150 ग्राम के करीब बेसन है। अब उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि उसमें गुठलियाँ ना पड़े, और बाद में हम और पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह का थिकनेस वाला बैटर बनाएंगे। कई लोग बहुत गाढ़ा बैटर बनाते हैं, यहाँ पर मैं इस तरह से मीडियम बैटर बना रही हूँ। अब उसमें हम बाकी बचा नींबू का जूस ऐड कर देंगे और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमारा बेसन का बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसमें हम हमारे बनाए हुए गोले ऐड कर देंगे। जो हमने बॉल बनाए थे वो इस तरह से ऐड कर देंगे और अच्छे से बैटर में कोट कर लेंगे। तो इस तरह से जितने आ जाए उतने हम बॉल इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से हम बैटर में कोट कर लेंगे और इसे हमने फ्राई करने के लिए तेल को गर्म कर लिया है। तो इस तरह से बॉल को हम तेल में फ्राई कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमारा तेल गरम हो चुका है। तो इसमें हम सारे हमारे आलू बड़े को इस तरह से ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हम 1-1 करके सारे आलू बड़े को इस तरह से ऐड कर देंगे बटाटा वड़ा को। इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना है वरना ऊपर की लेयर जल जाएगी। तो इस तरह से हम लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर का पर क्रिस्पी हो जाए तब तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। इसे हमें फ्राई करने में 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब तक इसे हमने फ्राई कर लिया है। तब इसे हम निकाल लेंगे।
यहाँ पर आप देख सकते कि मैंने गोल्डन थोड़ा सा कलर आ जाए तब तक इसे फ्राई कर लिया है। अब इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। यहाँ पर मैंने खजूर इमली की चटनी के साथ सर्व कर दिया है। अगर आपको मेरी आलू वड़ा यानी कि बटाका वड़ा की रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर करें, और ऐसी नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।